गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि MPL से पैसे कैसे विड्रॉ करते हैं। तो मैं पहले MPL ऐप खोल देता हूं। ऐप ओपन होने के बाद ऊपर देखिए, टॉप कॉर्नर में वॉलेट का आइकॉन दिखा रहा है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर लेता हूं यहां पे। उसके बाद देखिए, यहां पे दिखा रहा है कैश बैलेंस 440, एड कैश दिखा रहा है, विनिंग्स कैश दिखा रहा है 45.91, डिपॉजिट कैश 0 है, बोनस कैश 394। तो यहाँ से मैं डिपॉजिट कैश अगर होते भी मेरे पास, तो मैं इसे विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, और बोनस कैश भी विड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो सिर्फ विनिंग्स कैश जो है, सिर्फ वही विड्रॉ हो सकता है। तो मैं ये विड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको विड्रॉ पे क्लिक करना पड़ेगा। विनिंग्स कैश के साइड में जो विड्रॉ लिखा हुआ है, उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटर अमाउंट मिनिमम ₹1 और मैक्सिमम 45, ऐसा लिखा हुआ है कि आप, अगर आपके पास ₹1 भी है तो आप उसको विनिंग्स कैश में होने से आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 45 भी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास सिर्फ ₹45 ही हैं, या नहीं तो दिन में आप 10,000 करके भी विड्रॉ कर सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है विड्रॉल मेथड्स, अमेजोन पे, UPI, बैंक अकाउंट ऐसा लिखा हुआ है, पेटीएम लिखा हुआ है। तो अमेजन पे में मेरा अकाउंट है ही नहीं, इसलिए मैंने लिंक नहीं किया। पहले यहाँ पे 45 लिख लेता हूँ। इसके बाद अगर आपके पास अमेजन पे का वॉलेट है तो आप इसे अमेजन पे पे लिंक अकाउंट कर लीजिए। लिंक अकाउंट करने के लिए बस लिंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए इस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको कैसे लिंक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ एंटर मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ अमेजन पे अकाउंट। तो आपके पास अगर अमेजन पे का अकाउंट है तो यहाँ पे आप उसका नंबर लिख लीजिए और लिंक नंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद लिंक हो जाएगा और पे कर सकेंगे। UPI का भी ऐसा ही है, और बैंक अकाउंट का भी मैं दिखा देता हूँ। लिंक अकाउंट ऐसा आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अकाउंट नंबर, IFSC कोड जो है 11 कैरेक्टर्स का होता है, और अकाउंट होल्डर का नाम आपको लिख लेना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे लिंक बैंक अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट भी लिंक हो जाएगा। तो मेरा तो पेटीएम ऑलरेडी लिंक किया हुआ है, और नीचे देखिए पेटीएम के लिखा हुआ है, पेटीएम KYC इज़ मैंडेटरी फॉर विड्रोइंग, मतलब आपका KYC होना मस्ट है इसके लिए, नहीं तो आप डाउनलोड नहीं, मतलब विड्रो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे विड्रो पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। पेटीएम सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद देखिए प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, अमाउंट 45, विड्रॉल मेथड पेटीएम लिखा हुआ है, और नीचे दिया हुआ है बैक टू वॉलेट। तो मैं बैक टू वॉलेट कर लेता हूँ। अब देखिए, कुछ ही सेकेंड्स में आपके पास मेल भी आ जाता है कि विड्रॉ हो चुका है। तो आपको बस क्लिक करना होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ₹45 एडेड एस कैशबैक इन पेटीएम वॉलेट, कैशबैक रिसीव 45 फॉर MPL गेमिंग इन योर पेटीएम वॉलेट, लिंक टू आपका नंबर दिया हुआ होगा, ट्रांजेक्शन ID भी लिखा हुआ है। मतलब ये कुछ ही सेकेंड्स में बैलेंस जो आपने विड्रॉ किया हुआ है वो विड्रॉ हो जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है पेटीएम में। मैं सिर्फ पेटीएम का बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पेटीएम में किया हुआ है। अगर आप दूसरा UPI भी करेंगे या बैंक से भी करेंगे तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता MPL से विड्रॉ करने में। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।